दोस्तों, कानपुर और आगरा में प्रमुख मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन नवंबर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में दोनों शहरों के लिए पहली प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन का अनावरण करते हुए उसकी घोषणा की। राज्य में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो के सफल संचालन के बाद विकास हुआ है। योगी ने कहा कि 5 अन्य शहरों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपने अंतिम चरण में है। मेट्रो समय की मांग है और यह आगरा और कानपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह समय की बात है जब 5 और शहरों में भी सार्वजनिक परिवहन का यह सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती तरीका होगा। उन्होंने यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन और मेसर्स अल्स्ट्रॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल सेवा की मदद से पीएम के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया और लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को शीघ्र निस्तांतरण करने के निर्देश दिए। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक 2 मेट्रो स्टेशनों में रीजनल रेटिव ब्रेकिंग की सुविधा होगी, जिसकी मदद से मेट्रो में लगाए गए ब्रेक के माध्यम से 45% तक ऊर्जा को पुनः उत्पन्न किया जाएगा और सिस्टम में फिर से उपयोग किया जाएगा। इन ट्रेनों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली भी होगी। इन ट्रेनों में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एयर कंडीशन सिस्टम होगा, जो ट्रेन में मौजूद यात्रियों के लिए संख्या के हिसाब से चलेगा और ऊर्जा की बचत करेगा। कानपुर मेट्रो ट्रेनों की यात्री क्षमता 974 यात्रियों की होगी और इसकी डिजाइन गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। ट्रेन के पहले और आखिरी डिब्बे में दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर के लिए अलग जगह होगी। ट्रेनों में अग्निशामक, स्मोक डिटेक्टर आदि भी होंगे। ट्रेनों को अत्याधुनिक अग्नि और दुर्घटना सुरक्षा मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया है। हर ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिसकी वीडियो फीड सीधे ट्रेन संचालक और केंद्र सुरक्षा कक्ष तक पहुंच जाएगी। प्रत्येक ट्रेन में यूएसबी मोबाइल फोन चार्जिंग पॉइंट और इंफोटेनमेंट के लिए एलसीडी स्क्रीन या पैनल भी होंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।